तो दोस्तों आज है तारीख 31 दिसंबर और साल का ये लास्ट दिन है और साथ ही में मैं सारंगखेड़ा में आया हूँ। तो अभी सारंगखेड़े की मंडी भी थोड़ी शांत हो गई, यानी बहुत जो ग्राहक थे वो निकल गए हैं, जो स्टड फार्म के घोड़े थे वो भी निकल गए, सारे इवेंट्स भी ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारे जो घोड़े हैं इस बार अभी भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो पीछे भी मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, उसमें काफ़ी अच्छे व्यू दिए। सभी चैनल के जो भी जितने भी लोगों ने यहाँ पे आए उसमें सबसे अच्छी जो व्यूज़ है वो अपने इंडियन कॉन हॉर्स लवर इस यूट्यूब चैनल को मिल रहा है। इसका श्रेय सभी आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो चैनल को, सभी वीडियोज़ वगैरह देखते हो और काफ़ी अच्छा लगा और अच्छी आप सपोर्ट जो कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। 2023 साल ये मेरे चैनल के लिए, इंस्टाग्राम पेज के लिए और फेसबुक के लिए बहुत सारा ग्रो हुआ इस बार, और आगे आने वाला दो 2024 का साल है ये भी अच्छा ग्रो हो, यही मैं आपसे मतलब प्रार्थना करता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही फॉलो करते रहे। और कुछ घोड़े मैं आपको अभी बताऊँगा यहाँ पे। और एक नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से आए भैया आप? महाराष्ट्र शिरपुर। शिरपुर धुलिया के पास से, नजदीक है? अच्छा अच्छा, तो कितने सालों से मंडी में आए रहते आप? कम से कम मैं 35 साल हो गए। क्या बात है, यानी बचपन से आते? ये लड़के जैसा था, इसे बचपन से आ रहा। वाह वाह, तो घोड़े रखते हो आप? घोड़े रखते हैं, हमेशा रखते हैं। अच्छा अच्छा, हर बार पाँच छः घोड़े ये मेले में बेचते हैं। अच्छा, बेचते भी और खरीदते भी। तो अपना क्या खरीदी बिक्री काम है, शादी ब्याह का काम? शादी ब्याह का भी है, खरीदी बिक्री का भी, दोनों काम चलता है। अच्छा, क्या नाम अपना? अपना सागर धनगर करके। अच्छा अच्छा अच्छा, शिरपुर प्रॉपर रहते हो क्या? शिरपुर खेड़े पे हमारा गांव है। अच्छा, तो अभी मेला भी रहेगा अपने शिरपुर में? तो हाँ, वो अपने फरवरी में रहेगा। फरवरी में मेला रहेगा। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या बहाने से आए, बच्चों को लेके आए? बच्चों को घुमाने के लेके आए, अपना भी दो चार घोड़े उस साइड में बांधे ले। हाँ, इसलिए इधर मेले में घूमने के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो आपको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप इतने सालों से आ रहे हो मेले में, तो आपको कुछ सभी चीजें मालूम है घोड़े की? बिल्कुल। तो अभी इस बार क्या लिया मेले में, कुछ लिया? कुछ मेले में अभी बेचना है अपने को, बेचने के बाद में दो घोड़े लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी तीन बाकी है, दो बेचे। अच्छा अच्छा, तीन घोड़े बाकी। कौन से नस्ल के लाए थे? अपना एक काठवाड़े, एक मारवाड़े। हाँ, दो पच कल्याण में और एक संजाब कलर में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू भैया। क्या नंबर रहेंगे जैसे किसी को अगर लगेगा वो एरिया में? तो 97। हाँ, 66। हाँ, 98। हाँ, 52। हाँ, 31। ठीक है, चलो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। शिरपुर के पास में रहते हैं, शिरपुर मंडी में भी आएंगे ना भैया आप? घोड़े भी लाएंगे क्या? सर, चलो ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कुछ मैं बता दूँ, घोड़े वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, हर कलर के सिंधी वगैरह देख सकते हो। काला कलर का भी घोड़ा कितना सुंदर है, सिंधी है प्योर। चाल वगैरह में ये घोड़ा अच्छा बन सकता है। और उसके बाद में ये जो इधर के जो घोड़े हैं ये किसानों के घोड़े हैं, यानी किसानों से लिए गए हुए या कम रेट वाले थोड़े मिल जाते हैं जिसको भाई शौक करना है और पहली बार लेना है। तो ये जो दावन लगी इतनी बड़ी, ये थोड़े कम रेट वाले घोड़े हैं, तो आपको मिल जाएंगे ये भी। लेकिन ये कम रेट होने के बावजूद भी ये अच्छे क्वालिटी के, अभी कभी कभी कुछ नए लोग ले लेते हैं और उनसे संभाले नहीं जाते, तो ये यहाँ पे बेच देते हैं। और बेचने के समय ये इनकी जो हेल्थ वगैरह ये थोड़ी कुछ जैसे कमज़ोर रहना ये वगैरह, तो इस हिसाब से ये घोड़े रहते हैं। तो देख सकते, ये भी एक काठियावाड़ी शायद घोड़ा है, बढ़िया है, कलर भी सुंदर है इसका, यूनिक कलर है काफ़ी। तो ये भी एक काठियावाड़ी है, शायद मिक्स में आएंगे ये, थोड़ा काठी सिंधी मिक्स है। तो ये सारे जो घोड़े हैं ये यहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे इस दावन में। और जैसे कि मुन्ना भाई और जावेद भाई थे, ये तो इनके तो सारे घोड़े यही बंधे हुए थे कि यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, जिस दिन मैं पहले दिन आया था 21 तारीख को भी और 25 तारीख को भी। तो यहाँ पे देख सकते बिल्कुल कोई घोड़े नहीं बेचे, सारे उनके सेल हो गए हैं। और अभी जो जावेद भाई के जो चाचा है मुन्ना भाई, उनके पास में सिर्फ दो घोड़ियाँ खड़ी है, वो भी शायद दो एक दिन में चली जाएंगी, तो वो भी घर पे निकल जाएंगे। तो ये इधर की जो दावन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट सेल आउट हो जाता है। और ये देखते हैं काठियावाड़ी प्योर, ये अटैक करने के मूड में है, मेरे भी पास आया काटने के लिए, तो देख सकते हो प्योर काठियावाड़ी में आएगा। ये बहुत ही एग्रेसिव घोड़ा है। तो दोस्तों आज हमने अलग
कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की। हमने मेले का फीडबैक जानने की कोशिश की कि कैसे मेले में लोग आते हैं, किन किन को क्या क्या जानकारी मिल रही है क्या नहीं, तो देखेंगे अभी आगे। और कुछ अभी बहुत सारा माल अभी भी इस मंडी में बचा हुआ है, आप देखेंगे बहुत सारा माल है। अभी देखेंगे और कुछ मालूमात मिलेंगी तो आपको मैं बताता हूँ। थैंक यू।